यार डब्बू के सारे ही अच्छे होते हैं एंड ही मेक्स अस लुक मच बेटर देन जैसे हम हैं, तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये फ़ोटो एक्चुअली हमने फ़ोटो शूट में नहीं की थी। फिल्म शूट करने से पहले मैं डब्बू को रात को बुलाया 3 बजे, मैं कहा यार मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए बॉडी बना रहा हूँ तो प्लीज़ आकर एक फ़ोटो लो, सो अगर ठीक ठाक होगी तो हम फिर फिल्म शूट करेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट, सो इट्स नॉट रियली यू नो पोस्ट, इट वॉज अ टेस्ट एंड इफ हिज टेस्ट पिक्चर्स लुक सो गुड मच बेटर देन आई एक्चुअली लुक, सो आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। हाँ मतलब दुनिया में इससे मुश्किल चीज़ तो कोई है ही नहीं फोटो खिंचवाना, तो सबसे मुश्किल चीज़ होता तो मतलब परेशान हो गया मैं, अगले 3 साल तक नींद नहीं आएगी इस फोटो की वजह से, बहुत मुश्किल था ये, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। एंड ऑल दी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हू पार्टिसिपेट, नॉट जस्ट बिकॉज डब्बू बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, दिल के बहुत अच्छे हमारे बहुत दोस्त हैं, एंड आई वॉन्ट टू थैंक डब्बू ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड ऑन बिहाफ ऑफ मी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम साल शुरुआत ऐसा करते हैं कि सब मिल सके एक दूसरे से। I mean, like, honestly, I got the call from Dabu very, very late into the year. And, you know, I was just, like, I didn't even expect it. I was like, okay, fine, you know what I mean? Like, it was something, obviously, that I thought about as well. I didn't expect it. I got the call from him very, very late in the year and sometime in December. And I was shocked. I was like, are you serious? Like, there's still time to shoot the calendar. And we did the shot. I was in the middle of shooting for Brothers. I ran to Dabu's studio. We shot the picture. And, it was fun because I think we both kind of decided on the concept because Dabu kind of had this idea of doing something fun and you know, and then we, you know, like his idea was jumping, so we had the bed there and then like we wanted it to be very natural and stuff as well, so it's like, you know, when you're after the shower and you're feeling good, you're feeling fresh, so we wanted something that was a little bit sexy as well. So 2015 started with, you know, this amazing calendar launch for me, and this is something that I've always wanted to be on since I've been in India since 2009. So 2009, har saal main Dabu Ratnani ka calendar dekhti thi, aur main nahi thi calendar mein, lekin India's ke sabse bada stars Dabu Ratnani ke calendar mein hamesha. So this year is a very, very special year for me because... I feel the year has been amazing. It has been awesome because it should be awesome every year. Actually, मुझे लगता है कि श्रद्धा का तस्वीर बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. आलिया का भी. Very nice. Actually, मैंने वो चीज़ के बारे में सोचा. And I think मैंने फिगर स्केटिंग किया ना. फिगर स्केटिंग आपको पता है क्या है? When you are dancing on the ice, you are wearing those white figure skating shoes, na? So something like that I would like to do with my figure skating shoes. Purane wale. सबसे अच्छा पसंद. I think मुझे आलिया का सबसे अच्छा पसंद आया because I love the way the water is dripping. तो नहीं होते जा रहे हैं. आई यू क्रेजी? आई थिंक हमारे पेरेंट्स एंड रेखा जी एंड दे वर वे बोल्डर व्हेन वी आर नाउ. आई थिंक हर साल आर्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ग्रो. आई थिंक मैं कुछ अलग ही शूट करती और वो डबू ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट निकालते मेरे लिए. हाँ वो अभी डब्बू के दिमाग में चलता है कि उसको क्या करना है. पता नहीं इस साल उसने साइकिल क्यों बनाया, मेरे साइकिल का पहिया मेरे सामने क्यों रख दिया. बट ईसा के कुछ अलग करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है साइकिल यार. तो ये शॉट एक्चुअली हमने मेरे टेरेस पे ही किया घर पे, और वी डिडंट नो व्हाट टू डू. आई थिंक डब्बू ही सोच के आता है, उनका कैलेंडर है, वो आपको किस नज़रिए से देखता है. इनफैक्ट हमारी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन थी
इस शूट के बाद जहाँ मैंने कहा कि 15 साल से मैं इनके कैलेंडर में रहा हूँ अब तक, और तो सारे 15 शॉट्स हमने डाउनलोड किए और देखे कि कैसे गए. एंड यू काइंड ऑफ एक्चुअली गेट टू सी अ मूड कि वेयर यू वर एट दैट टाइम इन योर लाइफ, एंड इट्स वेरी स्वीट एंड इट्स वेरी नाइस. तो हमने सोचा है कि अभी वो 15 शॉट्स जो मेरे हैं एटलीस्ट उन्हें मैं ऑटोग्राफ करूँगा एंड वी विल ऑक्शन इट फॉर चैरिटी एंड वी विल गिव इट आउट टू सम पीपल. मुझे अभिषेक का फोटो बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक दैट्स गॉट अ ग्रेट एटीट्यूड एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्सेस. तो द बेस्ट फोटोग्राफ टुडे आई थिंक इज अभिषेक बच्चन. अर्जुन क्या है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और अंदर आने से पहले भी उनसे कहा था कि एक दरखास्त की थी कि भैया मेरा जो फोटो है उसे जरा से सराहिएगा. इसीलिए नहीं नहीं अर्जुन इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई लव हिम, इज बीइंग वेरी स्वीट. नोबडी फोटोग्राफ्स बेटर देन अर्जुन रामपाल इन इंडिया. सो जी, इस शूट का जो राज है कि ये शूट प्रिसाइसली 7 मिनट में ख़त्म किया गया था, और हालांकि मैंने पोज भी नहीं किया. जब मैं स्टूडियो के अंदर चल रहा था तो डब्बू ने फोटो खींच के मुझे वापस भेज दिया. जी देखिए, जब डब्बू का कैलेंडर रहता है तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, जो कुछ कहते हैं जो आज्ञा दें चुपचाप करता हूँ. बहुत ही अच्छा फोटो है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है. और एक्चुअली ये जो शूट किया गया था हम दोनों ने एक साथ ही किया था. जब वो तैयार हो रही थी मैंने जल्दी जाके अपना फ़ोटो खींच लिया, फिर वो जाके उन्होंने अपनी फ़ोटो शूट की.